हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर मैप मेकिंग क्लासेस। तो हम लोग मैप मेकिंग क्लास देख रहे थे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ डिटेल्स दी हुई है जिसके जरिए आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। इसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स और मटेरियल मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले यह हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिसको आप अपने प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो देखिए, ये वो लोकेशंस हैं जो हमें देखनी है। आज हमारा डे 4 है। हमारी लोकेशंस में आएंगे अरावली हिल्स, विंध्यास, सतपुरा, मैकॉल रेंज, वेस्टर्न घाट, महादेव हिल्स एंड राजमहल हिल्स। आज के लोकेशन में हम लोग ये सारी लोकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले लोकेशंस को स्टार्ट करते हैं, लोकेट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग 30 वर्ड्स को देखेंगे। तो ये है हमारी एटलस, आप लोग भी एटलस ओपन कर लीजिए। ये हमारी एटलस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी लोकेशन को। सबसे पहले लोकेशन अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, राजस्थान में हमारी अरावली रेंज आ जाती है। इस अरावली रेंज की जो सबसे महत्वपूर्ण शिखर या कह लीजिए कि जो टॉप हिल है वो है गुरु शिखर। देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई भी, ऊंचाई भी लिखी हुई है 1722 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी लोकेशन जो अरावली रेंज है। ये आप देख सकते हैं कि गुजरात से स्टार्ट होकर के ये खत्म हो रही है, दिल्ली तक जा रही होती है। हालांकि ये अपने ओल्ड फोल्ड एज में है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी हमारे डिस्कशन में। इसके बाद हमारी विंध्यन रेंज आ जाती है। विंध्यन रेंज आप देख सकते हैं कि काफी लंबा ये भी फैला हुआ है। इसके भी अलग अलग कह सकते हैं कि प्लेटूज है, अलग अलग इसके भी हिल्स हैं। जैसे एक हिल आप देख सकते हैं कैमूर हिल के फॉर्मेट में यहां पर दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं कि मालवा के प्लेटू के जस्ट ये साउथ में आता है। इस विंध्यास के साउथ में आती है सतपुरा रेंज। अगेन ये सतपुरा रेंज भी काफी दूरी तक फैली हुई है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों ब्लॉक माउंटेन में चुना जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। इन दोनों के बीच से नर्मदा रिवर निकल रही है। इसके अलावा देखिए, यहां पर हमारी लोकेशन भी दी गई है महादेव हिल्स की। यह हमारी महादेव हिल्स है जहां पर हमें लोकेट करना था। इसके अलावा मैकॉल रेंज और राजमहल हिल्स आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन में पड़ रहा है हमारा। क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा आते हैं और अपने डिस्कशन को देखते हैं। तो हमारा सोल्यूशन में स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारी अरावली हिल्स के बारे में है। तो यहां पर आप छोटा सा कुछ भी लाइन लिख सकते हैं, लाइक सिस्टम ऑफ माउंटेन इन नॉर्थ इंडिया रनिंग फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, द सिस्टम ओरिजिनेट इन आर्कियन एज एंड कैटेगराइज एज ओल्ड फोल्ड माउंटेन। देखिए, आर्कियन एज और ये सब चीजें जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हम लोगों ने काफी डीप में पढ़ा हुआ है, तो अब हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है या जिनको दिक्कत आ रही है, वो लोग ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा, उसको आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। These are categorized as old fold mountain. The system is divided in two section. एक सांभर के साइड में और दूसरा सिरोही हिल्स के साथ में। यहाँ पर गुरु शिखर जो माउंट आबू में है, यह हाईएस्ट पीक हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें सतपुरा के बारे में, द रेंज आर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न इंडिया दैट स्ट्रेच अक्रॉस द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। द रेंज इज इन द फॉर्म ऑफ 7 fold, इसीलिए इसका नाम है सातपुरा, सात पोल फोल्ड। ठीक है, नेम हो जाता है। एंड दस नेम फॉर्म्स वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के बीच का ये वाटरशेड बन जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है विंध्या। विंध्या के बारे में देखें तो यहां पर दीज रेंजेस फॉर्म सदर्न स्कार्पमेंट ऑफ सेंट्रल अपलैंड, इट एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू गंगा रिवर वैली नियर बनारस। तो इस तरीके से काफी लंबा ये फैला हुआ है। द माउंटेन फॉर्म्स द सदर्न एज ऑफ मालवा प्लेटू एंड डिवाइड इन टू टू फॉर्म दैट इज कैमूर रेंज और विंध्यास रेंज। हम लोगों ने इसके बारे में अभी लोकेशन में भी देख ली है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो रिवर्स हैं वो है सोन, बेतवा, चंबल, ये सारी रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी नेक्स्ट आती है मैकॉल रेंज के बारे में। तो माउंटेन रेंज इन मध्य प्रदेश रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फॉर्मिंग द ईस्टर्न बेस ऑफ ट्रायंगुलर सतपुरा रेंज। The range is habitat of many tribal and have high ecological values. तो ये हम लोगों ने मैकाल के बारे में देख लिया। अगर यहाँ पर एक बार केवल आप एनालाइज करेंगे तो बेसिकली लोकेशन में आपको बतानी है कि कहाँ पर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता देना है, स्टेट बता देना है। अगर उसकी कोई हिल्स अगर याद है आपको तो आप लिख सकते हैं,
कोई नदी निकल रही है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ट्राइबल हैबिटेट, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल वैल्यू, ये सब बहुत आराम से लिख करके अपने आंसर को और वैल्यूएबल और बढ़िया बना सकते हैं। आगे बात करें तो महादेव हिल्स के बारे में है, महादेव हिल्स पे आप लिख सकते हैं सैंडस्टोन हिल्स है ये, लोकेटेड इन पार्ट्स ऑफ नदन सतपुड़ा रेंज, द हिल हैव ए स्मॉल प्लेटू एंड स्टीप स्कार्प्स दैट वर फॉर्म इन द कार्बोनिफेरस एज। अगेन मैंने देखिए यहां पर यूज कर लिया अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप नहीं पढ़े पढ़ लीजिए। इट इज जेंटल इन नॉर्थ बट स्टीप इन साउथ हैविंग हाई इन्वायरमेंटल वैल्यू, क्लियर। वेस्टर्न घाट के बारे में अगेन लिख सकते हैं आप, इट इज ऑल्सो नोन एज सहयाद्री नॉर्थ साउथ चेन ऑफ माउंटेन रेंज विथ पासेस टू कनेक्ट मेन सेंट्रल इंडिया, या आप लिख सकते हैं मेन डेक्कन इंडिया, क्लियर। दे राइज एवरेटली फ्रॉम द कोस्टल प्लेन एज एन स्कार्पमेंट ऑफ वेरिएबल हाइट बट देयर ईस्टर्न स्लोप्स आर मच जेंटल। तो शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट आ जाता है राजमहल हिल्स, दैट इज द लास्ट वन, द रेंज रन्स साउथ नॉर्थ फ्रॉम गंगा वैली ऑलमोस्ट टू डुमका, तो ये काफी दूरी तक फैली हुई है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि झारखंड के एरिया में आ रही है। द वैली इज कल्टिवेटेड बाई ट्राइबल सैंथल्स, और आप सैंथल रिवेलियन के बारे में भी पढ़े होंगे अपने हिस्ट्री में। हिल्स हैव हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की लोकेशन देखी, इसके बारे में देखा। कल के लोकेशन के बारे में आप लोगों को थोड़े से हम लोग और बढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, काफी कुछ हो गया है, अब आपको आइडिया भी लग गया होगा, तो आप लिखना भी शुरू कर सकते हैं। तो बालाघाट, नीलगिरी, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलीकोंडा, जावती, पंचमलाई हिल्स, दंडकारण्य, तमिलनाडु अपलैंड और शेष चालम हिल्स, ये आपके कल के लोकेशन के लिए है। इसके बारे में आप 30 वर्ड या 40 वर्ड जो भी लिखना आप लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं। इसके लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स टेलीग्राम और ईमेल है, और उसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले की स्लाइड्स में बताया जा चुका है, तो आप उसको कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।